हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर रबर बैंड और सूट के बचे हुए कपड़े से कान्हा जी के लिए कुछ बनाने वाले हैं, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने रबर बैंड लिया है और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। तो पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई हमारी 9 इंच है। अब हम यहाँ पर लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें दो तरफ से सिलाई लगा देनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे और जहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर रबर बैंड लेंगे और इसको हमें कुछ तरह से इसके अंदर डाल लेना है। बाहर की तरफ हम यहाँ पर कपड़े को निकालेंगे और कुछ तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो रबर बैंड को हम यहाँ पर खींच के ही इसमें कपड़े को कुछ तरह से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको घुमाकर फिर से कपड़े को बाहर की तरफ इस तरह से निकालेंगे और इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेते हैं। रबर बैंड को हम यहाँ पर खींच के ही इसमें सिलाई लगाएंगे। तो कुछ तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इस तरह से इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कान्हा जी के लिए नेपी बनाई है और यहाँ पर आप लोगों को हम यहाँ पर पहनाकर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे कान्हा जी की नेपी है, वो बिल्कुल फिट हुई है और ये हमारे कान्हा जी 9 नंबर के हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की नेपी बना सकती हैं। देखिए कितनी सुंदर सी नेपी बनी है और बिल्कुल फिट हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।